संजय मिश्रा जी फ्री पानी और फ्री बिजली देने आए थे, फ्री दारू के चक्कर में जेल में पड़े हैं। आप लोग वादा दे देते हैं कोई भी हो। आपने तो कहा था इधर वाले भी गलत हैं, उधर वाले भी गलत हैं। विजय जी यही कहा था ना रामलीला मैदान में। रात को आपने हमको ओबी में सुलवाया, ओबी वैन आती थी पहले, अब तो लाइव व्यू आता है। हम उधर रामलीला मैदान के बाहर ओबी में सोया हूं मैं 4 या 5 दिन। अर्णब ने बोला हिलना नहीं है वहां से, हमें लेने किस लिए? आपने सब वेस्ट कर दिया। आप तो इनसे भी ज्यादा गड़बड़ निकल गए, आप तो इनसे भी ज्यादा गड़बड़ निकल गए, इधर वालों से भी उधर वालों से भी। पानी और बिजली देने आए थे, शराब के चक्कर में जेल में बैठे हैं आप। आपने जो परिश्रम किया, नहीं नहीं मेरा परिश्रम छोड़िए, अभी आप दोबारा बैठेंगे तो मुझे तो फिर जाना पड़ेगा, वो आप छोड़िए। लेकिन आप मुझे बात बताइए, आपने जनता को फ्री पानी देने का वादा किया, फ्री बिजली, चलिए तब तक होता रहा, आप फ्री शराब तक पहुंच गए, पेटी पे पेटी फ्री, कैन पे कैन फ्री, ये क्या है? अब मैं बोल, वो अलग तरह से मिसलीड करते हैं, आप अलग तरह से मिसलीड कर रहे हैं। मैं कुछ जवाब, प्लीज बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो उस वक्त परिश्रम किया, मेरे परिश्रम की चिंता जो आप 3 रात जनता की चिंता करिए, 4 रात गुजारे जनता की, मैं कह रहा हूँ देखिए आपके सामने कितना अच्छा रिजल्ट आया। एक सरकार ऐसी बनी भारत में पहली बार, और जेल से उनके कहने का हक है, दोनों तरफ इधर भी और उधर भी गड़बड़ है। वो क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा कि हम दिल्ली, उन्होंने ये कहा कि हम अपने जनता को फ्री शिक्षा देंगे, हम शिक्षित करेंगे। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कहा हम इसमें घोटाला खोजेंगे, क्योंकि हमारे नीति के खिलाफ है। अगर होगा नहीं तो कहां से ढूंढ लेंगे? नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम शिक्षा पे बात ही नहीं करेंगे, हम तुम्हें फंडिंग नहीं देंगे, तुम कहां से फ्री शिक्षा दोगे, जनता को कहां से पढ़ाओगे? उन्होंने कहा भाई निःशुल्क में स्वास्थ्य सुविधा करवाऊंगा, प्रदान करवाऊंगा जनता को। इन्होंने कहा भाई कहां से करा लोगे, हम तो उसमें घोटाला खोजकर तुमको डिस्टर्ब करेंगे। ये फ्री शराब क्यों देने लगे? तो कर लो सर, मैं ये कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं हम महिलाओं को बस फ्री करके देंगे, बीजेपी बोली कैसे कर लोगे भैया, ये तो हमारी नीति के खिलाफ है, हम जनता के लिए तो जीते ही नहीं है, हम तो अपने लिए जीते हैं, स्वयं की विकास की बात करते हैं। जनता गलतफहमी में होती है कि भाई सबके विकास की बात करते हैं, और ये प्रमाण है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हम कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख समझते हैं यदि आप लोग, तो समझना बंद कर दीजिए। 40% कमीशन का कर्नाटका के मुख्यमंत्री के ऊपर, येदुरप्पा के ऊपर 40% कमीशन लेने का आरोप लगा, बीजेपी ने क्या किया? ईडी कहां चली गई, सीबीआई कहां चली गई? तो ये समझना होगा कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप सिर्फ टारगेट करेंगे, कभी आप झारखंड के मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर देंगे, कभी आप दिल्ली के जनता जवाब देंगे, कभी आप अगर इतने ही सही थे, नहीं नहीं मेरा एक सवाल है, अगर आप इतने ही सही थे तो 24 के इलेक्शन में लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीते आप? हम पहले भी नहीं जीते। नहीं नहीं, तो 14 जनता आपके साथ नहीं है? नहीं, 14 मतलब दिल्ली की जनता आपके साथ नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? 70 में देखिए कितनी सीटें हमारे पास, 70 में 1-1-0-1-8 1-0-1-8 जिसने पहली बार सरकार बनाई दिल्ली में, और लोकसभा में आप 0 जिसके नाम का कौन सा डायनेमिक है? अजय आलोक जी जवाब दे, मैं कंप्लीट कर दूं, मैं कंप्लीट कर दूं। अजय आलोक जी का तो पार्टी का जो सिद्धांत, सतीश आर कमिंग आफ्टर दिस, ये तो अजीब सा है। आप यदि देखिए तो विपक्ष के टारगेट और जनता, ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ अनुराग भदौरिया जी से, ये कह रहे हैं 400 पर, मैं कह रहा हूँ वाकई ये 4 पे आ जाएंगे, क्योंकि जब तक ये जनता की बात नहीं करेंगे, आप तो 1 पे आएंगे, जब ये शिक्षा की बात नहीं, अरे उनका छोड़िए अपना बताइए, हम सत्ता में आ रहे हैं सर, हम सत्ता में आ रहे हैं, आज भी सत्ता में हैं, और ये आज भी कह रहे हैं जीते हुए कितने हैं आम आदमी पार्टी? अरे सर आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी कितनी है? मैं तो पूछ रहा हूं, बीजेपी सरकार में है? 240 नहीं है बीजेपी सरकार में है? आपकी गिनती सरकार नहीं है? नहीं नहीं, बीजेपी की सरकार है कि एनडीए की सरकार है? ये बताएं, एक तरफ राहुल को 99 दिखा देते हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू 1 को दिखाते हैं। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं सबको। अजय आलोक जी, अपने खड़े होने का ठिकाना नहीं, हमारे बैठने का गुमान है, गजब हाल है भाई। एक सीट दिल्ली में नहीं जीते, जबकि अलायंस कर लिया कांग्रेस से, पूरा का पूरा समाजवादी से भी प्रचार करवाया, तब भी एक सीट दिल्ली में नहीं जीत पाए। पंजाब में आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ के चली गई, आज उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। कर्नाटका में येदुरप्पा को 40% की कमीशन की सरकार, कुछ दिन पहले की दोस्त कांग्रेस पार्टी अभी सरकार में है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है भाई? क्यों नहीं कार्रवाई करती है? किसने मना किया? जहां तक रही रेणु मैडम बोल रही थी ईडी लगा दिया पीछे हरियाणा में, भाई ईडी सबके पीछे क्यों नहीं लग जाती है? ईडी नीतीश कुमार के पीछे क्यों नहीं लग गई थी? ईडी बाकी नेताओं के पीछे क्यों नहीं लग गई थी? और जब ईडी पकड़ती है तो कैश कहां से मिल जाता है? चाहे वो ममता का घर हो, चाहे वो कांग्रेस का घर हो, चाहे वो समाजवादियों का घर हो, ईडी को कैश कहां से मिल जाता है? प्रॉपर्टी कहां से मिल जाती है? कल भी आरजेडी के एक नेता को बिहार में यहां पे ईडी ने रेड किया, अच्छा खासा कैश मिल गया, कहां से मिल गया भाई? ये कैसे हो जाता है कि ईडी जहां पकड़ती है वहां कैश मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी मिल जाती है, और ईडी सीबीआई का डिस्क्लोजर पहुंच के 1,84,000 करोड़ हो जाता है? कितना पैसा खाना है? और तीसरी बात,
ये आप मत भूलिए कि 60 साल के बाद दूसरी बार दूसरे व्यक्ति कोई हुए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार सरकार बनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप लोग कहीं नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। गलतफहमी में जिंदा रहना है कि हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए, क्योंकि हम 4 से 37 पहुंच गए और हम 52 से 99 पहुंच गए, तो हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। जनता देख रही है, ऐसी जीत अगले 50 साल के लिए मुबारक हो। अनुराग भदौरिया को भी, अनुराग भदौरिया को भी कांग्रेस पार्टी घबराते हैं, ऐसी जीत अगले 50 साल बोलेंगे। लेकिन और जहां तक समाजवादी पार्टी, टमाटर लेके आने से अपना पॉइंट प्रूफ नहीं होता है। किसकी सरकार, लंबोर्गिनी पे चलना छोड़िए, नीचे उतरिए। टमाटर ये देखो, और काट की हांडी एक बार चढ़ गई, संविधान संविधान आरक्षण का झूठ एक बार फैल गया, बार बार नहीं फैलेगा, अगली बार क्या होगा? ये कहीं के नहीं रहने वाले 27 में, और सुनो 2027 में कहीं के नहीं रहने वाले भाई साहब। अब बीच में बोल के तो कोई फायदा नहीं है। आप जब चिल्लाते हैं तो जनता कहती है कि डिबेट का सत्यानाश कर रहे हैं। चल लीक का मुद्दा हो चाहे ट्रेन हादसे हो, ठीक है हरा कुर्ता, चाहे यहाँ पे बेरोजगारी, ठीक है हरा कुर्ता बोलते रहिए आप, लगना पड़ता है 25 वैकेंसी, हरा कुर्ता बोलते रहिए, कोई फायदा है आपकी बात ना? मैं समझ रहा हूँ ना, दूसरी कोई समझ रहा है? वैकेंसी निकली, अपनी बात आप खुद ही समझते हैं। रेलिंग टूट गई, ना ऐश्वर्य समझते हैं ना कोई पैनलिस्ट समझता है। और उत्तर प्रदेश की तो अच्छा, बात रिलैक्स, उत्तर प्रदेश में तो रिलैक्स, एवरीवन ऑन एयर। सतीश जी अब बोलिए, 5 मिनट नहीं है भैया, 5 सेकंड, 5 सेकंड का सिर्फ सवाल है। आपने जो शुरुआत में आपने जो सवाल उठाया, क्या एक भी जवाब आ रहा है? आलोक आलोक जी कह रहे हैं, मैं दे रहा हूं जवाब, क्या दे रहा है आपने? विकास की दारू क्यों दिया? नहीं सुन लीजिए फ्री दारू क्यों दी? सुन लीजिए, बोले आप फ्री दारू क्यों दी? वो कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है, फ्री है या नहीं है? सरकार है जो जेल से चल रही है। आप जहाँ बात कर रहे हैं मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, शर्म आती है आम आदमी को, राजनीति पार्टी में आलोक आती नहीं है। सतीश जी, विजय जी, नाउ थैंक यू सतीश जी, विजय जी, अजय आलोक जी, रेणु मित्तल जी, आपने कहा था हमाम में सब बराबर है, दिख रहे। अनुराग भदौरिया जी यहाँ टमाटर ले आते हैं, प्याज महंगी होती है, प्याज ले आते हैं सर, क्लियर हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अरे क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, लेकिन इनके नेता नहीं बोलते हैं सर। सुनिए सुनिए जी, किसी, अरे यही तो आपने सवाल शुरू में किया था, किस बात का सवाल था? विकास, और देख लीजिए कितने विकसित भारत के कितने राजनीतिज्ञ और सब लोग, प्रवक्ता वगैरह, कितना बढ़िया से उसको लपेटे में लेके बाकी सब काम का बात भूल गए। तो आप यही चाहते भी होंगे, और ये लोग इसी तरह से उसका जलेबी बना दिए। इसमें जनता को कौन पूछेगा भाई, आप पूछते रहिए। अजय आलोक जी, क्विक आंसर टू दैट। जनता को तो हम ही पूछ रहे हैं, और जनता के लिए काम भी कर रहे हैं, और वो काम दिख भी रहे हैं। जब हम 4 करोड़ घर देते हैं जनता को, तो वो जनता का ही घर होता है, किसी के, किसी नेता का घर नहीं होता है। हम 3 करोड़ घर और देने की बात करते हैं तो वो जनता को ही मिलता है। 10 करोड़ गैस सिलेंडर जब हम देते हैं तो वो जनता को ही मिलता है, कहीं दूसरे जगह नहीं जाता है। जब 12 करोड़ शौचालय बना के हम देते हैं और महिलाओं की इज्जत का सम्मान करते हैं तो वो जनता को ही जाता है। 3,20,000 करोड़ जब हम डायरेक्ट DBT ट्रांसफर किसानों के फंड में करते हैं तो वो जनता को ही जाता है, किसी और को नहीं जाता है। और आने वाले 5 साल में भी हम जनता के लिए ही काम करते रहेंगे। मैं विपक्षी पार्टी का नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको विपक्षी समझ के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी का नहीं, नहीं मैं आपको, मैं विपक्षी आपको समझ भी नहीं रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे के नजरिए में आप चाहते हैं, मैं दूसरे के नजरिए में और हमारे काम करने में फर्क क्या? नहीं नहीं, आप चाहते हैं कुछ आंकड़े दूं, कुछ आंकड़े दूं? हाँ दीजिए ना, बिल्कुल अब लेंगे, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, एकदम दीजिए, एकदम लूंगा, मैं शौक से लूंगा, जवाब दूंगा उसका। स्थल पर है, हाँ लीजिए ना, ये 45 साल में बेरोजगारी सबसे, अभी आप बेरोजगारी का पिछले 1 साल के आंकड़े निकाल के दिखा दीजिए। अभी RBI के आंकड़े, अभी RBI के आंकड़े आएंगे, पिछले 2 साल में 8 करोड़ जॉब सृजित हुए, ये RBI का आंकड़ा, अभी अभी 10 दिन पहले का आंकड़ा। अरे बात सुन, किसका पकड़िएगा? अरे RBI का छोड़ दीजिए, तो पकड़ेंगे किसका? अरे वो आंकड़े जानते हैं, अरे रोजगार गए तरीके, आपका सुनना ही नहीं है, बोलते ही रहिए, बोलने से क्या होता है? आपका पहली बार एक आंकड़ा ऐसा आया है जिसमें 48% रोजगार को कृषि क्षेत्र में दिखाया गया, ये नया डेफिनेशन है। अब ऐसे चाहिएगा तो 30-40 हम दे देंगे आपको। ऐसा है, मैं चुकी, हमें मेरा लाइन क्लियर है, सतीश जी, मैं अपना लाइन नहीं टपूंगा। ओके जी,
मैं आपकी भावना की और आपकी आपके रिसर्च की इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, जरा आरबीआई की विस्तृत आंकड़ी में जाके देखिए। आरबीआई ने बहुत साफ साफ कहा है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में भारत में 7 से 8 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है, जिसमें मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, कृषि सेक्टर से है, फार्मा सेक्टर से है, ऑटो इंडस्ट्री कंपोनेंट सेक्टर से है। अब टाइम नहीं है, डेटा वाइज उन्होंने आरबीआई के आंकड़े निकाले हैं। ये जो 45% बेरोजगारी का आंकड़ा बोल रहे हैं, ये 4 साल पहले की बात है, कोविड टाइम की। सुन लीजिए नौकरी, मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। नौकरी रोजगार, सरकारी क्षेत्र के रोजगार और प्राइवेट नौकरी, ये सब का आप थोड़ा डेफिनेशन अलग अलग कर लीजिए। ओके अनुराग जी, आ रहा हूं। बिल्कुल अलग है, नौकरी और रोजगार बिल्कुल अलग चीज है। अनुराग भदौरिया कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं अनुराग जी? रेणु जी आ रहा हूं। कोई सरकार 9 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 9 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए अरे बात सुन लीजिए सर, यार इनको भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा बोलने दीजिए लगी है। 9 करोड़ रोजगार दे दिया, 10 करोड़ अनुराग भदौरिया को कहेगा कुछ समझ में आने जाए। लाखों